तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि में फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर्स दो का पार्ट टू देखेंगे इससे पहले हमने पार्ट वन जो है अपलोड कर दिया था जिनमें हमने बीस क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके उससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो भी डिस्कस किए थे तो आज जो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट है आज भी हम इस वीडियो में बीस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन हैं इसमें जो यू के ट्रपल के अपकमिंग एग्जाम होने बी डी ओ बी पी डी ओ कनेक्सहायक वाला जो एग्ज़ाम है चौबीस अक्टूबर हज़ार इक्कीस को उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके अलावा आप यू के पी सी एस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा के एक दिन के मानसून सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई तो वैसे तो देखिए जो विधानसभा सत्र होते हैं उसकी जो अध्यक्षता करते हैं अध्यक्ष ही करते हैं लेकिन इस बार जो अध्यक्षता की है ये रघुनाथ सिंह चौहान ने की है ठीक है किसने की है रघुनाथ सिंह चौहान ये उपाध्यक्ष हैं ठीक है ठीके? तो इन्होंने राज्य विधानसभा के 20 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये मौका है कि विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र है उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष ने की है ठीक है चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का पूर्णता डिजिटल ज़िला जहां सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी तो गैज़ ये है अल्मोड़ा ठीक है तो अल्मोड़ा उत्तराखंड का पहला ज़िला है जहां पर सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिज़र्व को ख़त्म करने का करने ठीक है वाइल्ड वा लाइफ बोर्ड की मंजूरी मिली है तो देखिए उत्तराखंड में जो शिवालिक एलिफेंट रिज़र्व है उसको ख़त्म करने की वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो है मंजूरी कब मिली है तो 24 नवंबर 2020 को ठीक है 24 नवंबर 2020 को अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शिवालिक एलिफेंट रिज़र्व कहाँ पर है तो देखिए शिवालिक एलिफेंट रिज़र्व जो है ये जोली ग्रांट देहरादून में स्थित है और ये रिज़र्व एशियाई हाथी जो हैं उनका घर माना जाता है अगला है राज्य के किस स्थान पर चयुनी बोरा ठीक है चयकुनी बोरा नोला या जलकुंड खोजा गया है तो ये खोजा गया है चंपावत में ठीक है चंपावत में अब देखिए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्टर उनको देख लेते हैं तो चैकुनी बोरा का शिव मंदिर जो है ठीक है ये चंपावत में स्थित है तो ये भी तो यहाँ से पूछ सकता है कि चैकुनी बोरा का शिव मंदिर कहाँ पर है तो ये चंपावत में और चैकुनी बोरा या नोला जो है ये भी चंपावत में तो चैकुनी बोरा का शिव मंदिर जो है इससे पंद्रह मीटर की दूरी पर जो है ये नोला मिला है और इसका निर्माण जो है संभवतः चंद्रवंश जो चंद्र राजवंश हैं उन उनको बताया गया कि उन चंद्रराज वंश उसने इसका निर्माण कराया था अगला है राज्य में पहाड़ी संग्रहालय यानी हिल म्यूज़ियम की स्थापना कहाँ की गई है तो ये की गई है गोपेश्वर चमोली में ठीक है अब देखिए अब इसको सीधा देख लेते हैं तो पहाड़ी संग्रहालय या हिल म्यूज़ियम कहाँ पर है गोपेश्वर चमोली में स्थापना 8 अक्टूबर 2020 को ठीक है अब देखिए इस पहाड़ी संग्रहालय में क्या क्या मतलब मिलेगा मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें संजोई के रखी जाएंगी संभाल के रखी जाएंगी तो मुरखली चंद्रोली पोछी सूर्य कवच धागुला हंसुला और जो राजस्थान का धागुला है खास को खास तौर पर ये ठीक है जबरी सांग देखिए स्वयं सांगड़ जो है ये कंधो जो कंधे होते हैं उन पर धारण किया जाता है ठीक है आभूषण है ये अगला है उत्तराखंड के किन जनपदों में उत्तराखंड के किन जनपदों में भालू संरक्षण केंद्र बनाने की स्वीकृति मिली है तो ये मिली है पिथौरागढ़ और चमोली में यानी पिथौरगा और चमोली में जो है भालू संरक्षण केंद्र बनाने की स्वीकृति मिली है अगला है हाल ही में ठीक है हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर पयाँ खोजा गया है तो देखिए पयाँ जो खोजा गया है ये खोजा गया है रुद्रप्रयाग में ठीक है केदारनाथ से सोलह किलोमीटर दूर दूध गंगा घाटी में तो जब भी इस तरह से कोई ताल खोजा जाता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है तो पयाताल कहाँ खोजा गया है रुद्रप्रयाग में अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान पर चंद्र शासक ज्ञानचंद का ताम्रपत्र मिला है तो ये मिला है अल्मोड़ा से कहाँ से मिला है गाइज अल्मोड़ा से अब देखिए ताम्रपत्र की बात करें तो ताम्रपत्र ये किन का है चंद शासक ज्ञानचंद का ठीक है और ये 319 साल पुराना बताया जा रहा है और इस ताम्रपत्र की जो भाषा है कुमाऊनी है और लिपि जो है देवनागरी है अगला है हाल ही में संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो देखिए अब जो है संस्कृत अकेदमी का नाम जो है क्या हो जाएगा उत्तरांचल संस्कृत संस्थान ठीक है उत्तरांचल संस्कृत संस्थान तो ये कहाँ पर स्थित है हरिद्वार में ठीक है कहाँ पर स्थित है हरिद्वार में अगला है वर्ष 2019 में उत्तराखंड के किस स्थान को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है तो ये ट्रैक ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है में जखोल देव क्यारा बुग्याल जो मौर्य जो मौर्य ब्लॉक है उत्तरकाशी में उसको अब देखिए जितने भी ट्रैक ऑफ द ईयर हैं उनको एक बार देख लेते हैं ठीक है अभी देखिए 2019 का तो जखुल देव की और भुगयाल हो गया ठीक है ये वाला और 2020 में हाल ही में जो अभी ट्रैक ऑफ़ द ईयर 2020 हज़ार हुआ है ये कुश कल्याण है ठीक है कल्याण ये कहाँ पर स्थित है तो ये स्थित है उत्तरकाशी में ठीक है तो 2019 और 20 वाला आपने याद रखना है ठीक है 2020 वाला इम्पोर्टेंट है और 2019 वाला ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो हज़ार का ही जो है ट्रैक ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो दो हज़ार उन्नीस का ट्रैक ऑफ द ईयर जो है जाखोल बुग्याल है और दो हज़ार बीस का जो है कुश कल्याण बुग्याल बुग्याल है जो उत्तरकाशी में है ठीक है दो हज़ार अट्ठारह में किसको ट्रैक ऑफ़ द ईयर जो गया था नामिक ग्लेशियर 2017 में दौड़ागिरी पर्वत 2016 में सोलह ताल और 2015 में दयारा बुग्याल तो ये ट्रैक भी आपको सभी याद होने चाहिए अगला है नीली क्रांति के विकास हेतु तो उत्तराखंड के किस गांव को ग्रोथ सेंटर बनाया जा रहा है तो यह है डूंगरी गांव, ठीक है ब्लॉक है कनाली छी, छीला और कहाँ पे स्थित है पिथौरागढ़ में देखिए नीली क्रांति का जो संबंध होता है ये मछली से होता है किससे होता है मछली से होता है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस स्थान से फल मक्खी की नई प्रजाति मिली है तो देखिए ये मिली है नारायण नारायणबगढ़ चमोली से ठीक है इस नई प्रजाति को जो है फोर्टिका वाटीवी नाम दिया गया है फोर्टिका वाटीवी और देखिए ये नाम जो दिया गया है इस फल मक्की को तो जापान के जो जन जंतु वैज्ञानिक हैं ठीक है फोर्टी का वाटीबी डॉक्टर उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है अगला क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान पर जानकी सेतु है तो जानकी सेतु जो है देखिए ये मुनि की रेती ऋषिकेश में है ठीक है अब जानकी सेतु के बारे में देख लें तो ये मुनि की रेती ऋषिकेश में है इसकी लंबाई 346 मीटर है ये थ्री लेन का है ठीक है और किस नदी पर है ये गंगा नदी पर है लागत इसकी उड़चास करोड़ रुपए है और लोकार्पण कब हुआ था इसका बीस नवंबर दो को तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेगा पहले तो ये पूछ सकता है कि राज्य के किस स्थान पर जान की सेतु है तो मुनि की रेती ऋषिकेश दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जान की सेतु राज्य की किस नदी पर है तो आपको टिक करना है गंगा ठीक है गंगा नदी पर जो है ये स्थित है किस नदी पर स्थित है ये गंगा नदी पर अगला है राज्य की किस नदी पर सूर्यधारा झील बनाई गई है तो ये बनाई गई है जाखन नदी जो डोईवाला देहरादून में स्थित है अब देखिए सूर्यधारा झील झील का नाम जो है गजेंद्र दत्त नेथाली नेथानी झील जो है रखा गया है ठीक है और ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और देखिए इस झील की जो लंबाई है 550 मीटर चौड़ाई जो 28 मीटर गहराई जो है इसकी 10 मीटर है अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस स्थान पर अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर जो है यात्रा होनी है तो ये है टिम्बर शैण गुफा ठीक है और कहाँ पर स्थित है ये नीति घाटी चमोली में तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है अगला क्वेश्चन है राम मंदिर निर्माण हेतु उत्तराखंड के किस मंदिर की मिट्टी भेजी गई थी तो देखिए जो राम मंदिर अयोध्या वाला राम मंदिर जो बनना है वहाँ पर जो है उत्तराखंड के किस मंदिर से मिट्टी भेजी गई थी ये था सीता माता मंदिर जो फलसुवाड़ी गांव गाँव पट्टी पोड़ी में स्थित है ठीक है तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन हो जाता है अगला क्वेश्चन है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किसकी जयंती को राष्ट्रीयगान दिवस ठीक है राष्ट्रीय गान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गान दिवस जो मनाया जाएगा सात मई को मनाया जाएगा और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है इसको तो आप रट लो बढ़िया करके अगला है गैर को ई विधानसभा कब घोषित किया गया तो पाँच जून दो हजार बीस को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंद्रमणि बडोनी जी की स्मृति में इंद्रमणि वाटिका का निर्माण कहाँ पर किया गया तो टिहरी गढ़वाल में राज्य में लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है तो 24 दिसंबर को कब मनाया जाता है 24 दिसंबर को तो गैज़ ये थे आज के करंट अफेयर्स दो हज़ार इक्कीस पार्ट टू के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग